प्रणाम, मैं हूं विष्णु, इस पूर्ण ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का रखवाला। आज मैं आप सभी बच्चों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी है होलिका दहन की, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल यानी गुड ओल्ड डेज में एक राजा यानी राक्षस राजा हिरण्यकश्यप रहता था। जिसने तपस्या करके ब्रह्म देव से वरदान पा लिया था कि वह ना धरती, ना कोई जीव जंतु, ना कोई देवता, ना कोई राक्षस, ना कोई मनुष्य उसे मार सके, ना वह रात में, ना वह सवेरे में, ना वह घर के अंदर, ना वह घर के बाहर कोई इसे मार सके। और बच्चों, ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा था और वह चाहता था, आज से तुम सभी सिर्फ मेरी ही पूजा करोगे, ना कि वो विष्णु, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। परंतु इन सब में सिर्फ एक वो ही था जो राजा के खिलाफ था, वह था राजकुमार प्रह्लाद। आइए देखते हैं राजकुमार प्रह्लाद और अपने पिता के बीच में क्या संबंध होता है। पुत्र प्रह्लाद, आज से तुम भी मेरी ही पूजा करोगे। मुझे माफ कर दीजिए पिताश्री, मैं सिर्फ और सिर्फ विष्णु की ही आराधना करूंगा। मैं उनके अलावा किसी को नहीं पूजूंगा। विष्णु ही मेरे देव है और इस संपूर्ण संसार के देव है। नारायण नारायण नारायण। प्रह्लाद मेरा परम भक्त था, उसकी निष्ठा अपरंपार थी, किंतु अपने पुत्र को मेरी पूजा करते देख वे राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने प्रह्लाद को कई सजाएं दी, परंतु प्रह्लाद को इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर आई होलिका, राजा हिरण्यकश्यप की बहन, और होलिका ने हिरण्यकश्यप को कई सुझाव दिए। आइए देखते हैं क्या कहती है होलिका। भैया, मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। आप जानते हैं ना, मेरे पास एक जादुई शाल है, उसे मैं ओढ़ लूंगी और प्रह्लाद को अपने साथ अग्नि में बिठा दूंगी। मेरे पास जैसे ही वो जादुई शाल है, उससे मुझे तो कुछ नहीं होगा, परंतु प्रह्लाद जल जाएगा। यह सही रहेगा। सिपाहियों, अग्निकुंड की तैयारी करो। होलिका ने वो शाल ओढ़कर प्रह्लाद को अपने साथ अग्निकुंड में बिठा दिया, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा सोचा था। आइए देखते हैं क्या होता है उस अग्निकुंड में। नारायण 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 होलिका से उठकर प्रह्लाद पर आ जाती है और प्रह्लाद को उस अग्नि में नारायण होलिका उस अग्नि में भस्म होकर आग हो जाती है। राजा बहुत क्रोधित होता है और उसी वक्त विष्णु का रूप प्रकट होता है और वो रूप है महाकर। प्रकार नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप को मार गिराया और इस तरह नरसिम्हा ने राक्षस राजा हिरण्यकश्यप को मार गिराया और इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। धन्यवाद।